नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजूम। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। उनके रायपुर और अंबिकापुर सहित कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इस दौरान उनके कुछ करीबियों को हिरासत में भी लिया गया। पूरी खबर के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्रवाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रदेश के कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई ठिकानों पर पिछले 30 घंटे से भी ज्यादा समय से आईटी की रेड जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कोयला घोटाले को लेकर जो है वो खासतौर पर जांच की जा रही है। इसमें नामजद FIR जो है वो दर्ज की गई है। इनके साथ ही कवासी लखमा जो है उनका भी नाम है, और भी कांग्रेस के कई लोग जो है उनका नाम है। तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए CRPF के जवान है, वो तैनात है। उधर अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकाने पर आईटी की रेड जारी है। 30 घंटे से ज्यादा समय से कार्रवाई जारी है। अमरजीत भगत के बंगले पर सिविल इंजीनियर प्रमोद टोपो से अधिकारी पूछताछ की। निजी सचिव फ्रैंकलिन टोपो को हिरासत में लेकर आईटी की टीम अमरजीत भगत के बंगले पर पहुंची। दो आप देख सकते हैं कि जो आईटी की टीम की कार्रवाई चल रही है, और अभी अभी उनके निजी सचिव फ्रैंकलिन टोपो को भी आईटी की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बंगले में लेके गया है। इससे पहले जो सिविल इंजीनियर थे प्रमोद टोपो, उनको भी इसी बंगले पर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर आईटी छापे को लेकर BJP के प्रदेश प्रवक्ता नलनेश ठोके ने आरोप लगाया कि उन्होंने गरीबों का चावल खाया, अब उनके भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। नलनेश ठोके ने कहा कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया सभी पर कार्रवाई होगी। अमरजीत जी के ऊपर जो छापा पड़ा है वो गरीब होने के कारण नहीं पड़ा है। छापा इसलिए पड़ा है कि उन्होंने गरीबों का राशन डकारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब इनकी सरकार थी बताती थी कि 500 करोड़ रुपए के घपले घोटाले आपके विभाग में चल रहे हैं, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल आईटी की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि अमरजीत भगत पर जांच की आज कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री के अंतरिम बजट पर छत्तीसगढ़ में बयानों के तीर चले। किसी ने अंतरिम बजट को गरीबों की भलाई वाला बताया तो किसी ने कहा कि मोदी राज में लोगों को ठगा गया। अंतरिम बजट पर BJP और कांग्रेस ने क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में BJP सरकार ने जहां इसे अच्छा बताया, वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। CM विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट को आम जनता के लिए बहुत अच्छा बताया। सोशल मीडिया एक्स पर CM ने लिखा, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा हुई है। भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है, और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। डिप्टी CM अरुण साव ने बजट को गरीबों की भलाई वाला बजट बताया। अरुण साव ने कहा कि PM मोदी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, और आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि एक बार फिर आम जनता को मोदी राज में ठगा गया है। आम जनता को कोई राहत नहीं मिली, आम जनता को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस के इस बयान पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि ना कांग्रेस समझ सकती है और ना ही समझना चाहती है, ना ही आपको बताना चाहती है। कांग्रेस की स्पष्ट नीति रही कि लूटो और लुटवाओ। निश्चित तौर पर मोदी राज में आम जनता एक बार फिर से ठगी गई है। जो जनता की अपेक्षाएं थी वो पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए। कांग्रेस न समझ सकती, न समझना चाहती, और समझने के बाद न आप लोगों को बताना चाहती। बहरहाल ये एक अंतरिम बजट था जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था।
आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर मध्य प्रदेश में भी बजट पर सियासत दिखी। बजट का बीजेपी ने स्वागत किया और जबकि कांग्रेस ने इसे निराशाजनक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले इस बजट को अहम माना जा रहा है। बजट को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे से प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी ने बजट का स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को समावेशी बताया। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है। तो वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बजट आर्थिक रूप से भारत को संपन्न बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जबकि मंत्री प्रहलाद पटेल ने हर वर्ग का ध्यान रखने की बात कही। उसके स्वयं के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी इस बजट में दी है और इसे मैं वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए हुए इस बजट को के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का फोकस है वो गरीब कल्याण पर, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और किसान की किसान, ये चार वर्ग को इस बजट ने एकदम प्रभावित किया। उधर एमपी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेताओं ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बजट को झुनझुना करार दिया। तो वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने बजट से निराश होने की बात कही, जबकि विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आम जनता के लिए कुछ नहीं है, विजन वाला बजट नहीं है, ये कहीं से कहीं तक किसी भी वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बजट नहीं है। निश्चित तौर से लोगों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि जिस तरह से मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय में घोषणाएं करके गए थे, हर महिला को इससे उम्मीद थी। पब्लिक को गुमराह करने वाला और एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिस पर हम उनकी स्वागत करेंगे। इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान रखा, बल्कि दुर्भाग्य है कि किसानों का और आम जनता की महंगाई का कोई प्रावधान, कोई ख्याल नहीं रखा कि उसके अंदर महंगाई कैसे कम की जाए। ईंधन के दाम कम करे तो हवाई ईंधन के दाम कम करे, जो एक हंसने का पर्याय बन चुका। हवाई ईंधन इसलिए कम करे कि साहब को विदेशी दौरे ज्यादा करना देते हैं तो बजट ज्यादा ना दिखे, उसलिए हवाई ईंधन कम कर दिया और बाकी जगह महंगाई जोगी। तो बजट पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष जहां बजट की तारीफ करता है तो वहीं विपक्ष आलोचना करता है। कई बार आलोचना के लिए बहाने भी तलाश लिए जाते हैं। मुरैना में भी अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले राजस्व अधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासन ने सीएम की बैठक में नहीं जाने दिया, इसे लेकर वो आहत दिखी। तस्वीरें मुरैना के कृषि उपज मंडी की हैं। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने से पहले का मामला है। पुलिस अधिकारी के साथ एक व्यक्ति बहस कर रहा है। आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल का हवाला देकर पुलिस ने राजस्व अधिकारी को बाहर जाने को कहा। इस पर राजस्व विधायक के आरआई ने आपत्ति जताई। बाद में एसडीएम ने पुलिस और आरआई को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। मुरैना की एक और तस्वीर देखिए। आंखों से आंसू लिए जा रही ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सीएम मोहन यादव अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर भी पहुंची, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। मैं कलेक्टर से आई हूँ, मेरा मुझे यहाँ से रोक दिया गया कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं मीटिंग हॉल में, आप नीचे जाके बैठिए, मंत्री जी आएंगे वो आपसे। किसने कहा आपसे? एडीएम सामने। फिर आपने क्या कहा? वापस जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो रुक जाऊंगी और मेरा ऐसा बोला गया है कि आप जा नहीं सकते तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। क्या लग रहा है, क्यों नाम नहीं रहा आपका, क्यों प्रोटोकॉल में नाम नहीं रहा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। अब ये अधिकारी जाने क्यों नहीं है ऐसा, हमारी बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और प्रोटोकॉल रख रही है, ये अधिकारी लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आरती गुर्जर ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया और जानबूझकर अनदेखी करने के आरोप लगाए, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने की भी बात की।